का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द एंड टर्म, मतलब हमें एंथ टर्म निकालना है एपी ऑफ द एपीएपी के हुज सेवेंथ टर्म इज माइनस वन, यानी सेवेंथ टर्म क्या है माइनस वन और सिक्सटीन टर्म क्या है सेवनटीन। यहाँ पर देख सकते हैं सेवेंथ टर्म माइनस वन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ए प्लस फार्मूला पर रख देंगे। एन बराबर क्या है सेवेंथ टर्म है, तो एन क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा, तो सेवन माइनस वन कितना हो जाएगा सिक्स इन टू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है ए एन बराबर, तो हमारा एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ सेवन्थ टर्म है तो हम एन की जगह सेवन्थ रख देंगे। यहाँ पर सिक्सटीन टर्म की बात हो रही है, तो ए प्लस सिक्सटीन माइनस वन, इसमें सिक्सटीन माइनस वन क्या हो जाएगा सिक्सटीन टर्म है, तो फिफ्टीन डी। तो यहाँ से हमारा दो इक्वेशन बना, एक हमारा बना ए प्लस सिक्स डी बराबर हो जाएगा माइनस वन, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन हो गया ए प्लस फिफ्टीन डी बराबर हो गया सत्रह, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा देंगे, यानी कि दूसरे इक्वेशन में से माइनस करेंगे पहले इक्वेशन को, तो दूसरा इक्वेशन का इस साइड वाले को इस साइड से घटाते हैं और इस साइड वाले को इस साइड से घटाते हैं, तो दूसरा इक्वेशन में क्या है ए प्लस फिफ्टीन डी, इसमें से माइनस करना है हमको किसको ए प्लस सिक्स डी को, इसको माइनस करना है, और उधर हम माइनस करेंगे सेवनटीन में से माइनस करेंगे माइनस वन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस फिफ्टीन डी माइनस ए माइनस सिक्स डी, और इधर आ जाएगा सेवनटीन प्लस वन, तो यहाँ पर ए और ए क्या हो गया कट गया, और फिफ्टीन डी माइनस सिक्स डी क्या हो जाएगा नाइन डी इज इक्वल टू एटीन, तो यहाँ से डी हमारा क्या आ जाएगा एटीन बाई नाइन, यानी कि डी हमारा आ गया टू, यहाँ पर डी हमारा कितना आ गया टू। और यहाँ पर इस पहले इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ए प्लस सिक्स डी बराबर कितना है माइनस वन, तो यहाँ हम डी का वैल्यू रख देंगे ए प्लस सिक्स इंटू टू बराबर हो जाएगा माइनस वन, तो ए बराबर क्या आ जाएगा इधर ट्वेल्व, ये ट्वेल्व हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस वन और माइनस ट्वेल्व, तो ए बराबर कितना आ गया माइनस थर्टीन। अब हमको ए एन निकालना है, यानी ए एन का ये फार्मूला होता है हमारा, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए कितना है हमारा माइनस थर्टीन प्लस एन, एन ही एन नहीं पता है तो एन को एन ही रख एन ही एंथ टर्म ही निकालना है माइनस वन, और डी कितना है टू, तो ए एन बराबर हमारा क्या आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो ए एन बराबर इतना आ जाएगा, तो फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस फिफ्टीन प्लस टू एन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंथ टर्म हमें निकालना था यहाँ पर, तो हमारा एंथ टर्म माइनस फिफ्टीन प्लस टू एन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें सेवेंथ टर्म एपी का दिया गया है माइनस फोर, यानी कि ए सेवन कितना दिया गया है माइनस फोर, एंड इट्स थर्टीनथ टर्म इज माइनस सिक्सटीन, और ए थर्टीन हमारा कितना दिया गया है माइनस सिक्सटीन, हमें फाइंड द एपी, हमें क्या निकालना है एपी बराबर व्हाट, एपी हमें निकालना है, तो हमें क्या दिया गया है पहले ये लिख लेंगे, यानी कि ए सेवन, ए सेवन हम कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस एन, एन की जगह क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा, सेवन माइनस वन इन टू डी, हमें ए और डी नहीं पता है, तो ए सेवन हमारा कितना आ गया ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स डी, और ये ए सेवन हमारा क्या दिया गया है माइनस फोर, तो यही हमारा हो जाएगा माइनस फोर, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया वन हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो इक्वेशन हुआ हमारा इक्वेशन वन हो गया। अब हमारा क्या दिया गया है ए थर्टीन, ए थर्टीन, तो ए थर्टीन निकाल लेंगे ए प्लस थर्टीन माइनस वन इंटू डी,
यानी कि हो जाएगा a प्लस 12d, और ये हमारा कितना दिया गया है, a 13 हमारा माइनस 16 दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये वाला जो इक्वेशन है हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेंगे इक्वेशन 1 को, यानी कि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें से घटा देंगे इसको, यानी कि हमारा हो जाएगा a प्लस 12d, इसमें से हम माइनस करेंगे a प्लस 6d, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 16, माइनस करेंगे किसको, माइनस 4 को, तो इसको हम सॉल्व करते हैं a प्लस 12d, हम ब्रैकेट पहले हटा लेते हैं, माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, यहाँ से हमारा a और a क्या हो गया कट गया, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6d इज इक्वल टू इधर हमारा क्या आ जाएगा माइनस 60, और प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 12, यानी कि हमारा d क्या आ गया माइनस 12 बाई 6, यानी कि आ गया माइनस 2, हमारा यहाँ पर d क्या आ गया माइनस 2, अगर d हमारा माइनस 2 आ गया तो हम पहले इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करके a निकाल लेंगे, यानी कि हमारा a प्लस 6d बराबर माइनस 4 था, ये इक्वेशन पहला वाला था, इसमें हम d का वैल्यू रख देंगे तो a प्लस 6 इंटू माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस 4, तो a माइनस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर माइनस 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 12, यानी कि a बराबर हमारा आ गया कितना आया, तो यहाँ पर हो गया 8, a हमारा कितना आ गया 8, और d कितना आया माइनस 2, यानी कि a यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, a हमारा कितना आया 8 और d क्या आया माइनस 2, तो a क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6 हो जाएगा, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, और ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि ये जो हमारा आया ये हमारा क्या आया AP आया, ये हमारा क्या हो गया AP, और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द एथ टर्म ऑफ AP इज जीरो, मतलब हमारा एथ टर्म जो है एथ टर्म वो जीरो दिया गया, यानी कि हो जाएगा an बराबर a8 बराबर हो जाएगा हमारा कितना जीरो, प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म, तो हमें प्रूफ करना है कि जो 38th टर्म है मतलब कि a38 ये जो है तीन गुना है किसके, तीन गुना है a18th टर्म, मतलब जो 18th टर्म है उसके तीन गुना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है a8 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा a8 को कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला के अनुसार a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d, हमारा फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, an इज इक्वल टू यही फार्मूला होता है, तो a8 निकालना है तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, और यही जो है हमारा क्या दिया गया है जीरो दिया गया है, तो यहाँ से हमारा निकल गया a प्लस 7 इंटू d, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू d क्या हो जाएगा 7d और इज इक्वल टू जीरो, तो फिर हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 7d इधर जाएगा तो 0 माइनस 7d, यानी कि a बराबर आ गया हमारा माइनस 7d, a बराबर क्या आ गया माइनस 7d। अब 38th टर्म लिखते हैं, ये हमारा 38th टर्म हो गया, 38th टर्म क्या लिख सकते हैं a प्लस 38 माइनस 1 इंटू d, यानी कि 38th टर्म क्या आ गया a प्लस
37 इंटू डी, ऐसे ही हम एटीन टर्म निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 17 डी, ये हमारा आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, यानी कि a 38 डिवाइडेड बाई a 18 हो जाएगा और इधर क्या है हमारा a प्लस 37 डी डिवाइडेड बाई a प्लस 17 डी। हमने क्या किया है, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पर a का वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर हमने a का वैल्यू निकाला था a बराबर माइनस 7 डी, वही हम a का वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देंगे। तो a बाई a 38 बाई a 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 7 डी प्लस 37 डी डिवाइडेड बाई a का वैल्यू रखेंगे 7d माइनस 7d प्लस 17d, ये हमारा आ गया। तो a 38 डिवाइडेड बाई a 18 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30d और नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10d। यहाँ पर देख सकते हैं d से d कैंसिल हो गया और 10 थ्री जा 30, तो इधर क्या रह गया 3 रह गया, यानी कि a 38 डिवाइडेड बाई a 18 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो a 38 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू a 18। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि जो 38 टर्म है ये 18th टर्म के 3 गुना है, यही हमें प्रूफ करना था, 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइजेज, मतलब 4 प्राइज अवार्ड करने के लिए 2800 रुपये यूज किया जाता है। इफ़ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस, मतलब कि हर एक प्राइस, मतलब मान लीजिए पहला जो फर्स्ट प्राइज है x है, तो जो सेकंड प्राइज होगा मतलब 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, जो पहले वाला प्राइज है उससे 200 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 200, 200 रुपया कम हो जाता है। और थर्ड प्राइज हमारा क्या हो जाएगा x जो प्रीसीडिंग यानी कि सेकंड प्राइज में से 200 रुपया, ये सेकंड प्राइज कितना है x माइनस 200, तो इसमें से फिर माइनस हो जाएगा 200, यानी x माइनस 200 और फिर माइनस हो जाएगा 200, तो ये हमारा कितना आ जाएगा x माइनस 400। और जो फोर्थ प्राइज है ये थर्ड प्राइज में से माइनस हो जाएगा 200, तो x माइनस 400 फिर माइनस हो जाएगा कितना 200, तो ये हमारा कितना आ गया x माइनस 600, ये कितना आ गया x माइनस 600। तो हमारा जो सीरीज बना ये बना हमारा x फर्स्ट प्राइस क्या है x, सेकंड प्राइस क्या है x माइनस 200, थर्ड प्राइस क्या है हमारा x माइनस 400 और जो फोर्थ प्राइस क्या है x माइनस 600। अब देखिएगा, और यही जो चार प्राइस है इसी का सम कितना दिया है 2800 रुपया, तो हम इन सब को ऐड करेंगे और इक्वल में हो जाएगा 2800, x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 2800 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही चारों जो प्राइस ये है यही हमारा सम है कितना है 2800 रुपया। तो यहाँ से x x x x क्या हो जाएगा 4x,
-200, -400 600 और -600 कितना हो जाएगा -1200 इज इक्वल टू कितना हो गया 2800। तो हमारा 4x बराबर क्या हो जाएगा -1200 इधर चला जाएगा यानी 2800 प्लस 1200 यानी 4x हमारा कितना आ गया यहाँ पर 8 2 10 2 1 3 1 4 यानी कि 4000 आ गया। ये हमारा क्या आ गया 4x, यहाँ पर हमारा आ गया कितना 4x बराबर आ गया 4000। तो x बराबर क्या आ गया 1000। तो जो हमारा प्राइस था यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमारा प्राइस था कितना था x -200 x -400 और x -600। तो x क्या हो जाएगा हमारा 1000, फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1000, सेकंड प्राइस हो जाएगा x -200 यानी कि 800, थर्ड प्राइस x -400 यानी कि 600 और जो फोर्थ प्राइस है x -600 यानी कि 400। तो हमारा यही निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो हमारा ईच प्राइजेस 1000, 800, 600 और 400 यही आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। मतलब हमें कितने इंटीजर है 200 से 500 के बीच ये हमें निकालना है जो कि डिविजिबल हैं 8 से। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 200 और 500 के बीच हमारा निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे 1 से 200 के बीच कितने हैं, 1 से 200 के बीच कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे 200 को 8 से डिवाइड देंगे, 200 को 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 25। यानी कि 1 से 200 के बीच 25 ऐसे नंबर हैं जो कि टोटली 8 से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे 1 से 500 के बीच निकालेंगे, 1 से 500 के बीच कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे 500 को 8 से डिवाइड देंगे, 500 को 8 से हम डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाता है 62.5। तो हम डेसिमल वाला यहाँ पर जो है डेसिमल वाला हम नहीं लेंगे, ये डेसिमल वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है एक तरह से रिमाइंडर वाला है। हमारा टोटल जो नंबर्स बनेगा 62 ही बनेगा, 1 से 500 के बीच 62 नंबर ऐसा है जो कि 8 से डिविजिबल है, 62 ही नंबर है। मतलब टोटल 62 ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं, लेकिन हमें 200 से 500 के बीच निकालना है। तो हम 1 से 200 के बीच कितना है 25 और 1 से 500 के बीच कितना है 62। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 62 में से 25 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 37। यही हमारा आंसर हो गया। हमको क्या निकालना था 200 से 500 के बीच, तो हम 1 से 200 के बीच निकाल लिए, 1 से 500 के बीच निकाल लिए और 1 से जो 500 के बीच आया उसमें से 1 से 200 के बीच घटा देंगे।